और वो हमें वाइट वॉश में सरफ़राज़ ने मेंटोर था एक दिन आए खेलने उनके जो वेड ड्यूट ड्यू चैपियन उसकी बात नहीं मेंटोर थे खेलने के लिए आए पांच रन बनाए चले गए अक्सर क्रिकेट के अगले चैलेंज इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के लिए पंद्रह रुकनी स्कॉट का हो गया है ऐलान सीरीज के पहले टेस्ट के लिए जो स्कॉट बना है वो कमोबेश बेश वो ही है जो बांग्लादेश के हाथों क्लीन स्वीप हुआ था याद है ना नॉट टू लॉन्ग अगो और वही कप्तान है वही नायब कप्तान है आ, फिर बाबर रिजवान सरफराज नसीम और सब कुछ है और खुरम शहजाद इंजर्ड थे तो बाहर हैं आमिर जमाल वापस आ गए

Uh, and if you can't and then get ready for another whitewash तो बांग्लादेश के हाथों दो टेस्ट मैचेस में जिल्लत अमीर शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने अपनी लेजेंड्स से भरपूर एक टेस्ट टीम का ऐलान किया है जिसने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर और हमने कुछ नहीं सीखा नुमान अली 40 साल की उम्र में हम अपने टेस्ट्स के एक स्पिनर को वापस लाए हैं जिसको आ, एक अच्छी बोलिंग परफॉर्मेंस के बावजूद हमने अपने से से बाहर निकाला हुआ था। पता नहीं अब तो बांग्लादेश तो हार का डर है अभी तक हमारे जहनों पे सवार के हम इंग्लैंड तो मतलब, मतलब, थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा ना इफ यू एनीथिंग नथिंग गोइंग टू चेंज आप ये पाकिस्तानी टीम के साथ होगा जब आप देखेगा की इंग्लैंड का क्या हाल करेगी इंग्लैंड नहीं छोड़ेगी इंग्लैंड नहीं छोड़ेगी तीन जीरो वो आराम से कर देंगे क्योंकि अगर ये टीम बांग्लादेश के दो जीरो हो सकता है तो इंग्लैंड के अच्छे नहीं लग रहे आप आप अठतीस साल नुमान अली की तरफ कोई नहीं है इससे बड़ी बड़ी उम्र के खिलाड़ी खेलते रहे लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने एक साल पहले अपना लॉन्गर वर्जन का मैच खेला था जिसमें उनकी शायद एक विकेट थी उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला जुलाई में सात विकेटें थी दूसरी इनिंग्स में आपने उन्होंने ड्रॉप क्यों नहीं किया इससे आपका वाजिया होता है कि अगर आपने इंग्लैंड को ट्रैप कैसे करना आपके है आपके बैटर वही हैं आपके फास्ट बॉलर वही हैं जय हिंद दोस्तों आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है दोस्तों आप सबको पता ही होगा इंग्लैंड तो पाकिस्तान में पहुंच चुका है और इंग्लैंड ने तो ऐलान कर दिया है पिछले टूर में जो वो जिस हिसाब से खेले थे थ्री जीरो से पाकिस्तान को घर में हरा कर गए थे और रिकॉर्ड बना कर गए थे वही रिकॉर्ड को वो सेम इस बार रिपीट करेंगे लेकिन पाकिस्तान मीडिया में ये रोना धोना चल रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ जिस स्क्वाड के साथ उतरा था टू जीरो से हारा था लगभग सेम स्क्वाड या फिर उससे खराब स्क्वाड इंग्लैंड के खिलाफ उतारा है और कुछ कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो फोर्टी प्लस या फिर चालीस के करीब उनके एज है तो इस बात को लेकर जो भी रोना धोना चल रहा है आप आखिर तक एंजॉय करिए मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में और आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों ये वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और द लेजेंड सरफराज अहमद बांग्लादेश जैसी टीम जो कि कमजोर टीम थी जो इंडिया के सामने चेन्नई के अंदर कैसे भीगी बिल्ली की तरह टेस्ट मैच खेल के हार गई हम उसके हाथों दो टेस्ट मैचेस में बुरी तरह हम मार खा गए और अब हमने इंग्लैंड के खिलाफ जो कि बांग्लादेश के मुकाबले में कहीं बड़ी टीम है कहीं उससे ज्यादा मजबूत टीम है उसके सामने हम वही स्क्वाड मैदान में उतारने जा रहे हैं जिस स्क्वाड ने हमें बांग्लादेश के हाथों रुसवा करवाया हम क्या फैसले करते हैं क्या हमने अपनी क्रिकेट को बड़ा मकाम दिलाना है बजाय हम हम आगे बढ़े तो उल्टे कदमों के पर पीछे की तरफ चल रहे हैं ये जो आखिरी दो नाम है सरफराज अहमद और शाहीन शाह आफरीदी क्या पाकिस्तान की टेस्ट टीम के अंदर जस्टिफाई करते हैं पहले सरफराज आ जाते हैं चले शाहीन के बारे में हम ये कहते हैं कि जनाब हमारा बड़ा बॉलर है तो नाम का बड़ा बॉलर है मैचेस तो हमें जितवा नहीं रहा है सरफराज अहमद के ऊपर आ जाए कभी वो आपका मैंटोर होता है कभी वो आपका लेजेंड बन जाता है अभी पाकिस्तान कप हुआ है सरफराज की परफॉर्मेंस कहीं पर थी तमाम मैचेस खेला क्या सरफराज ने कर लिया

स्कॉट से रिलीज़ भी हो गए तो तो आप ये हिंट दे रहे हैं कि जो शाहीन नसीम खुरम पहली अनफिट है आमिर जमाल वापस आए हैं क्या आपको कोई मीर हमजा शायद एक सीजन परफॉर्मर है लेकिन वो भी थोड़ा मुझे लगता है आई एम सॉरी टू से बटा मुझे लगता है एज की रॉन्ग साइड पे वाते जा रहे हैं वो यंग तो नहीं है तो क्या हमारे पास कोई सुपर फिट फास्ट बॉलर नहीं है तो क्या मोहम्मद असनै जिसने विकटों के ढेर लगाए हैं कल भी बड़ा अच्छा स्पेल किया हम उसको ट्राई आउट कर सकते थे मैं आपकी ओपिनियन लेना चाहता हूँ नहीं, नहीं नहीं आप उसको कैसे ट्राई आउट कर सकते हैं मुझे okay. बताएंगे जस्ट क्रिकेट आइए मजाक थोड़ा और अगर ये मैच बस के खेले तो उसको किस तरीके से ट्राई आउट करेंगे आपका स्वाह मीर हमजा की कोई बॉलर नहीं है चार मैच दस के बारह मैच आपके शाहिना फ्री जी ने बस क्लास के खेले हुए हैं सात आठ मैच आपके नसीम शाह ने खेले हुए हैं तो ये तो एक फलूक पे सिस्टम चला रहे हैं ना कि अगर लग गया तो चल गया तो धोखा ठीक है ये टीम कोई सही नजर नहीं आ रही जो टीम इन्होंने बनाई है कि आपको एक कल की जो आपसे नीचे टीम थी उसने आपको आके आपको हरा दिया आपके घर के अंदर घुस के उसके बावजूद आपने टीम में चेंजेस करना गवारा नहीं समझा उसके बावजूद इवन के सेकंड टेस्ट मैच के अंदर कहा कि शाहीन और नसीम को हम लोग इस वजह से नहीं खिला रहे क्योंकि इनको वर्किंग की जरूरत है जब ये अच्छी तरह वर्किंग करके कर आएंगे स्ट्रॉन्ग कम कर बैक करके आएंगे फिर टीम के अंदर रखेंगे चैंपियंस कप के अंदर दोनों के दोनों फ्लॉप रहे शाहीन और नसीम लेकिन अभी भी अगर आप पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग लाइनअप को देखें जिसके अंदर नसीम शाह शाहीन अफरीदी मीर हमजा आमिर जमाल ये आपको नजर आएंगे वो बॉलर की तरह के जो परफॉर्मेंस करके दिखा रहे थे सवाल मेरा सिर्फ ये है कि चैंपियंस कप का रोल क्या था इसके दरमियान के अंदर दूसरे मुल्क होते हैं वो टेस्ट सीरीज से पहले चार रोजा मैचेस करवाया करते हैं फोर डे टेस्ट मैचेस करवाया करते हैं लेकिन हम पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं जो टेस्ट मैचेस से पहले टी ट्वेंटी और ओडीए करवाया करते हैं ताकि इसकी बेस के ऊपर सिलेक्शन करें और जब सिलेक्शन होती है फिर ये कह देते हैं कि वो तो व्हाइट बॉल टूर्नामेंट था ना ये तो रेड बॉल की टीम है ये हमारा दारोमदार है आप देखिएगा जब आप

फिर जब ऑस्ट्रेलिया गए फेल हुए तो फिर उनको बिल्कुल टीम से निकाल दिया गया खबर तो ये आया कि वो रिटायर्ड हो गए और इंग्लैंड के इंग्लैंड चले गए हैं पाकिस्तान छोड़कर फिर अचानक उनका जो अभी डोमेस्टिक कप चल रहा था चैंपियंस कप नाम पर वहाँ पर उनको आज ए मेंटर एक टीम में आर्ड किया गया मतलब आज एक एक से आप कह सकते हो कोच कोच होते हुए भी वो एक मैच में, में खेलने के लिए उतर आए लेकिन वो वहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं बना पाए पाँच रन बनाकर आउट हो गए फिर आप देखो लग रहा था कि शायद वो पीसी में शायद किसी कोचिंग पोजिशन में उनको जॉब मिल जाए आगे जाकर लेकिन वो अचानक तो उनके टेस्ट टीम स्क्वाड में आ जाते हैं मतलब तो पाकिस्तान के इतना बुरा हालत हो गया कि उनके पास कोई दूसरा विकेट कीपर है नहीं रिजवान के अलावा जो टेस्ट खेल पाए और एक जो आदमी वो दो तीन साल पहले रिटायर हो जाना चाहिए था और एक तरीके से खुद रिटायर मान भी चुका था लेकिन आप सबको पता होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में छः सात महीने में उनका जो प्रेसिडेंट है वो बदलते रहते हैं तो एक प्रेसिडेंट गया जिनके साथ इनका अच्छा संबंध नहीं है तो कोई दूसरा प्रेसिडेंट आ गया जिनके साथ अच्छा संबंध है तो फिर वो सेटिंग करके टीम में आ जाते हैं या फिर किसी इंपोर्टेंट पोजिशन पर ऐसा ही चलता रहता है इनका कोई पॉलिसी लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाता है छः सात महीने के लिए होता है तो फिर उस हिसाब से आप एक तरीके से कह सकते हो उसका इम्पैक्ट टीम पर आ रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट पर आ रहा है अभी तो इंटरेस्टिंग होगा दो दिन तीन दिन के बाद जब उनका मुल्तान में मैच शुरू होगा पाकिस्तान क्या नया रणनीति लाकर इंग्लैंड के खिलाफ उतरेगा क्योंकि आप सब जानते हो बांग्लादेश जो भारत से इतने बुरी तरीके से हारा इंग्लैंड तो बांग्लादेश से कई गुना बेहतर टीम है उसके सामने पाकिस्तान ऐसा क्या खेल प्रदर्शन करेगा कि पाकिस्तान का इज्जत अपने घर में थोड़ा बहुत बच जाए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने को मतलब देखने को मिलेगा दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों रुकता हूँ बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा नमस्कार जय हिंद